संस्कारधानी जबलपुर का ऐसा मंदिर जहां माँ दुर्गा के साथ साथ पूरे 9 ग्रह विराजमान हैं, और यहां पर लोगों के आने से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर का नाम है माँ बगलामुखी मंदिर। यहां पर बगुले की मूर्ति बनाई गई है और उसी के नीचे विराजित हैं बहुत सारे शिवलिंग और देवी देवता। बगलामुखी का ये मंदिर सन 2000 में बनाया गया था। ऐसी कहानियां हैं कि जब आद्य शंकराचार्य जी अपने भ्रमण पर जबलपुर निकले थे, तब उन्होंने यहाँ पर एक मठ की स्थापना की थी, और मढ़ाताल में इस मठ के होने के कारण माँ बगलामुखी का प्राचीन मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया सन 2000 में। पुरोहित जी से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर किसी बड़े साधु संत की समाधि स्थल भी है, और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी संचालित होता है। माँ बगलामुखी का ये मंदिर काफी सिद्ध माना जाता है, और जो भी भक्तगण श्रद्धालु नवग्रह और माँ दुर्गा की परिक्रमा करते हैं उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के समय तो संस्कारधानी में जलसा सा होता है, और इस माँ बगलामुखी के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। जबलपुर के सिविक सेंटर से नज़दीक मढ़ाताल वाले क्षेत्र में बना हुआ है ये बगलामुखी मंदिर। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली का आलम रहता है, और बड़े ही शुद्ध वातावरण में भक्तगण आते रहते हैं देवी की इस मनमोहिनी प्रतिमा का दर्शन करने के लिए। अभी मंदिर में और भी निर्माण कार्य जारी है, जहाँ पे और भी देवी देवताओं के रूपों को सम्मिलित किया जाएगा। कमलेशास्त्री श्री श्री प्रेमसरी तंत्राचार्य जबलपुर संस्कारधानी के यह जो हृदय स्थल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माँ बगलामुखी पीताम्बरा नवग्रहों के साथ में और काल भैरव के साथ में विराजमान। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर शंकर जी रखे हुए हैं, बगला बना हुआ है, यहाँ पर एक क्रोधानंद जी थे जिनके समाधि स्थान। और यहाँ पर जो है पहले गायत्री संस्कृत विद्यालय के नाम से यहाँ पर बहुत हजारों ब्राह्मणों ने यहाँ पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में जब यहाँ पर जीर्ण छीर्ण हो गया स्थान, तो शंकराचार्य महाराज श्री को यह प्रदान किया गया। और इसमें जो है यहाँ पर हनुमान जी महाराज स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे साधक थे, क्योंकि यहाँ पहले तालाब था या मढ़ाताल के नाम से भी जाना जाता, तो यहाँ पर बगलामुखी की साधना करते थे। तो शंकराचार्य जी के निजी सचिव जी जिनका आना जाना रहता था, तो उनसे लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ पर बगलामुखी की साधना है, और वो स्वयं बगलामुखी के साधक हैं। और उनने जो है महाराज से इस प्रार्थना की कि जबलपुर संस्कारधानी मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए बगलामुखी की स्थापना हो। यह माता जैसे 9 दुर्गाएँ होती हैं, इसी प्रकार 10 महाविद्याएँ होती हैं, और इन 10 महाविद्याओं में यह अष्टम महाविद्या के रूप में बगलामुखी, इनके बगलामुखी पीताम्बरा के नाम से जानी जाती। और इनके बड़े बड़े प्रयोग हैं, मारण मोहन बचकन स्तंभन उच्चाटन और भोग और मोक्ष को देने वाली, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली देवी है। और इन माता का ऐसा प्रभाव है कि जो भी यहाँ पर नारियल बांधते पीले कपड़े में सुपाड़ी हल्दी नारियल रख करके, और जो मनोकामना रहती है उससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।